यहाँ पूरा एनआईटी तक, गांधी में से एनआईटी तक आप लोग जा पाइएगा, पूरा ट्रैफिक से छुटकारा मिलने वाला है। अब देख रहे हैं जब बनते आ रहा नीचे वो कितना खाली भी रहा, पार्किंग के लिए भी रहेगा बट पार्किंग का यहाँ से स्पेशली वो चार्ज भी लगने वाला। जी हाँ, लास्ट टाइम इसका अपडेट दिए थे, अब बहुत काफ़ी काम आगे तक बढ़ चुका है। पहले का पटना है गांधी मैदान का पता चुका है, यहाँ पर जब डबल डेकर काम दिखाते हैं बहुत तेज़ी से इसका काम हो रहा है। तो अभी गाइस हम लोग पटना के साइंस कॉलेज के पास खड़े हैं, यहाँ पर आपको डबल डेकर का अपडेट देने वाले, यहाँ से गांधी में अंतर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कहाँ तक काम हो चुका है। अभी गाइस हम लोग पटना के साइंस कॉलेज के पास देख सकते हैं डबल डेकर का आपको अपडेट देने वाले हैं। यहाँ पर से स्लोप खत्म हो जाता है, एनआईटी के पास नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर मेट्रो काम चल रहा है, इस कारण से यहीं पर आकर ये इंड हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं, आगे चल के आपको थोड़ा अच्छा से दिखा देंगे। तो आगे गाइस एनआईटी के पास से आए थे, पटना साइंस कॉलेज के पास, पटना विश्वविद्यालय के पास देख सकते हैं स्लोप यहाँ पर जाके खत्म होने वाला है। ये पीएमसीएच से यहाँ तक आएगा, देख लीजिए अब ढलाव हो रहा है, यहाँ पर जाके ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो जाएगा पीएमसीएच और गांधी में जाने वाले, चल के आपको थोड़ा दिखाएंगे इसके। तो अभी गाइस आप लोग देख रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के पास इसका स्लोप बना स्टार्ट हो गया, नीचे जाके पुल खत्म हो जाएगा। अब काफ़ी जल्दी इसका काम हो रहा है, मतलब मेट्रो जो इतना पटना में देख रहे हैं उसके बाद इसका काम शुरू हुआ था और ये बढ़कर तैयार होने वाला है। ये बिहार का दूसरा डबल डेकर होने वाला है, पहला कोई और है। बार बार मैं बहुत सारा वीडियो में पहला बोल दे रहा था। मैं इसका अपडेट दिए थे, अब बहुत काफ़ी काम आगे तक बढ़ चुका है, पिछले बार तो आधा अधूरा था बट इस बार आप लोग देख सकते हैं बहुत आगे तक काम हो चुका है। जल्दी से बस ये बन जाए, इसके बाद तो भाई आना जाना एकदम ट्रैफिक से आपको छुटकारा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हम लोग जाम मिलता है। अब आप लोग को चार रोड मिलने वाला है, एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर से और एक उसके ऊपर से भी, इसी को बोलते हैं डबल डेकर, मतलब एक ब्रिज के ऊपर एक और ब्रिज, या आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो। यहाँ पर से गाइस फिर आप लोग को लेकर जाएंगे हम लोग गांधी में, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कितना पिलर तक काम हो चुका है। अब आप लोग मतलब पटना आने वाले हैं तो पिलर के नंबर से आप लोग जान पाइएगा, देख लीजिए कौन सा कंपनी बना रहा है, उसका मोहर भी लग चुका है सब पिलर में, आप ऐसा ही मोहर आपको दिखने वाला है। यही हम लोग का पटना का डबल डेकर अशोक राजपथ के पास ये बन रहा है, यहाँ पूरा एनआईटी तक, गांधी में से एनआईटी तक आप लोग जा पाइएगा, पूरा ट्रैफिक से छुटकारा मिलने वाला है। अब देख रहे हैं जब बनते आ रहा नीचे वो कितना खाली भी रहा है, पार्किंग के लिए भी रहेगा बट पार्किंग का यहाँ से स्पेशली वो चार्ज भी लगने वाला। जी हाँ, अब पार्किंग जब यहाँ पर करिए तो आपको अलग से उसका चार्ज देना पड़ेगा, फ्री भी नहीं होगा, पता कि ये तो मेरे को पता चला कि पार्किंग के लिए अब अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। बेली रोड में गए आप लोग जाते हैं तो बेली रोड में आप लोग पिलर नंबर से आप बोलते हैं, पिलर रोड में इतना पास जाना है, 20 नंबर के पास जाना है, यहाँ जाना है, पता चल जाए। जैसे दुर्गा पूजा था तो दुर्गा पूजा में आप लोग बताया पिलर नंबर यहाँ 20 के पास, 25 के पास आएगा तो वहाँ बैठ रहा है। इसी तरह से यहाँ भी आपको कहीं जाना होगा तो आपको अगर जगह का नाम नहीं पता तो पिलर नंबर याद रखे, ऑटो वाले पिलर नंबर याद रखे कि बोलिए पिलर नंबर 20 के पास जाना, 10 के पास जाना तो वहीं पर आपको उतार देंगे। अब बहुत ये थोड़ा आसान हो जाएगा, आप लोग 56 को 55 से कनेक्ट किया जा रहा है ऊपर से, बस इसी का काम बाकी रह गया, बाकी तो पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, बहुत तेज़ी से काम आ रहा है। जब जिस महीने अगले महीने आते हैं तो देखते हैं काम आगे बढ़ गया, मेट्रो से मतलब 10 गुना फास्ट इसका काम चल रहा है। तो यहाँ पर गाइस ब्रिज के नीचे एक मंदिर है बताया जा रहा है, उसको मंदिर को हटा कर आगे थोड़ा कर दिया जाएगा, मतलब मंदिर हमेशा के लिए यहाँ से नहीं हटेगा, उसको थोड़ा आगे या पीछे कर दिया जाएगा, पिलर नंबर दे दिया गया। तो देख सकते हैं गाइस आप लोग, यहाँ मंदिर है, इसी मंदिर को आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ से मंदिर हट के आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, यहाँ पर आगे आप लोग आइएगा गांधी मैदान से तो पूरा एक बार में गांधी मैदान नहीं आएगा, इस डबल डेकर को दो हिस्सों में बांटा गया है, तो एक हिस्सा तो हमारे पटना विश्वविद्यालय के पास ख़त्म हो जाएगा और दूसरा आपको एनआईटी लेकर जाएगा। चलिएगा तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, अब आपको गांधी मैदान लेकर चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं कहाँ तक काम हो चुका है। पहले का पटना है गांधी मैदान के पास आ चुका है, यहाँ पर से आपको डबल डेकर काम दिखाते हैं, बहुत तेज़ी से इसका काम हो रहा है। लास्ट टाइम आया था आधा अधूरा था, इतना स्पीड पकड़ लिया, लग रहा है कि 2-10-15 दिन में बना देंगे, ऐसा स्पीड में काम चल रहा है। आगे देखिए गांधी मैदान है, यहाँ पर देख सकते हैं डबल डेकर काम बहुत तेज़ हो रहा है। ड्रोन का व्यू भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सवरिया के लिए थे, पीले नंबर 1 से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट टाइम तो हम लोग को दिख भी नहीं रहा था कितना तेज इसको देखे बनाते जा रहे हैं अंग्रेजी दवाखाना। चले को नहीं, आगे लेके चलते हैं। चलिएगा डबल डेकर ब्रिज के नीचे हम लोग खड़े हो चुके हैं, अशोक राजपथ के पास ये जाने वाला है, अभी कहाँ तक ये पिलर बन के रेडी हो गए आपको दिखाएंगे। इसके नीचे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर आगे बागरगंज है, गली में घुसने का है। पिलर नंबर 3 के पास हम लोग आ चुके हैं, बहुत तेजी से काम हो रहा है। लास्ट टाइम आए थे तो आधा दूरा था, अब देख सकते हैं इसका काम कितना तेजी से हो रहा है, आगे तक ये बढ़ते जा रहा है। डीएन कॉलेज के पास हम लोग आ चुके हैं, पिलर नंबर 4 यहाँ पर तक पहुँच चुका है काम, मतलब लास्ट टाइम आए तो आधा दूरा था, देख सकते हैं कितना तेजी से काम हो रहा है, मतलब लग रहा है कि भाई 1-2 सप्ताह के अंदर इसको बना के रेडी कर दिया जाएगा। बट आगे मेट्रो काम चल रहा है उसके कारण थोड़ा हम लोग को रुकावट मिल सकता है, आने जाने का रास्ता पूरा एकदम साफ होने वाला है ये बनने के बाद। देख सकते हैं पिलर नंबर 3 है, 1-2 वहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पिलर नंबर 4 तक कंप्लीट है, आगे फिर ऊपर से वाला काम भी चल रही है। आगे चलते हुए थोड़ा आपको दिखा देख सकते हैं
ये पूरा कम्प्लीट होने का, रोड में आने जाने के लिए स्पेस मिल जाएगा, नीचे भी आप लोग गाड़ी पार्किंग वगैरह कर सकिएगा। लेकिन बता रहे गाड़ी पार्किंग का आपको चार्ज पैसा लगने वाला है पूरा। यहाँ गांधीगंज से लेकर अशोक रास्ता एनआईटी जाइएगा तो नीचे जितना खाली रहेगा वहाँ पर गाड़ी पार्किंग के लिए आपको चार्ज लगने वाला है। काफ़ी स्पेस हम लोग को मिलने वाला है, अभी से बनने लगा है तो खाली खाली हम लोग को दिखने वाला है। यहाँ से हम लोग डबल डेकर स्टार्ट हो चुका है, गांधी मैदान से लेकर हम लोग पूरा एनआईटी तक जा पाइएगा। डबल डेकर का बनने का जाम से बहुत बड़ा आपको छुटकारा मिलने वाला है, मतलब पट्टा वासी के लिए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा जाम लगता है। पहले हम लोग सोचते थे काश यहाँ पर ब्रिज हो, काश यहाँ पर ब्रिज हो, आराम से जा पाए। अब ये सपना मतलब समझिए पूरा होने वाला है। इसके पहले आपको तारामंडल का अपडेट दिए थे, वो भी आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। पटना में तारामंडल को रिनोवेशन किया जा रहा है, फिर से कुछ नया उसको बनाया जा रहा है, पूरा पूरा तारामंडल चेंज होने वाला है। तो मेरा ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग ब्लॉग चेक कर लीजिएगा या फिर चैनल में जाके मेरा कल या परसों में ब्लॉग डालेंगे तो आप लोग जाकर देख लीजिए। देख सकते हैं जूम करके आपको दिखा रहे हैं, वर्कर सब ऊपर लगे हुए काम पे, शाम होने वाला तभी लगे हुए, सवेरे 9 बजे से आप लोग आइएगा तो आपको काम करते ऐसे वर्कर दिखने वाले हैं। डबल डेकर काम का बहुत तेजी से हो रहा है, अभी यहाँ गांधी मैदान से लेकर आपको सब्जी बाग चौराहा है वहाँ तक वो काम दिखने वाला है। आगे मेरे को लग रहा है पीएमसीएच के पास रुकावट हो सकता है क्योंकि वहाँ पर मेट्रो काम चल रहा है। अब देखिए मेट्रो का काम चल रहा है, उसके बीच से बनेगा, अगर बन जाता है तो अगले साल तक हम लोग फरवरी मार्च अप्रैल जून जून तक जुलाई तक इसे कंप्लीट होने के दिखने वाला है। साइड में गाइस आप लोग जितना भी सब दुकान देख रहे हैं ये पूरा दुकान को तोड़ दिया जाएगा, इसको रोड को बनाया जाएगा। शुरू में लग रहा था कि बहुत स्पेस रहेगा लेकिन नहीं, अभी जरूरी हो गया। अब ये जो पोल वगैरह आप लोग देख रहे हैं ये शायद रहे, बट जितना बीच में हम लोग दुकान देख रहे हैं सबको हटाया जाएगा, तोड़ के मतलब हटा ही दिया जाएगा। अब जगह दिया जाएगा इसका पता नहीं, लेकिन यहाँ से पता किया तो बोले कि नहीं जितना दुकान है सब हट जाएगा, सरकार का ऑर्डर हो चुका है। चलेगा फालिया से निकल ले, छोटा सा अपडेट था। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।